हेलो व्हाट्सअप गाइस टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी रिडेक्स टूल की फूल स्ट्रक्चर इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन जी गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है एंड मैं बताना चाहूंगा काइंड kind ऑफ of, हम बहुत एकदम लास्ट लास्ट वीडियो में आ चुके हैं सेकेंड लास्ट आप इसको कह सकते हो जहां हमने कम्प्लीट रिएक्ट देख लिया जहां हमने कम्प्लीट स्टैक क्वेरी दैट इज योर रिएक्ट क्वेरी देख ली रिडक्स देख लिया देन हमने रिडक्स थंक देखा एंड फाइनली वी हैव आवर आर टीके दैट इज योर रिडेक्स टूल की टेंस जिसकी मदद से हमने ये एप्लीकेशन क्रिएट किया तो सब कुछ तो हो चुका है सोर्स कोड कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है बट एक प्रॉब्लम

जिसके अंदर आप चाहो तो एक ऐप फोल्डर बना के देन वी हैव दिस स्टोर डॉट जी जो कि हमारा मेन स्टोर होता है एंड आई थिंक रिडक्स एंड आरटी का बेस्ट पार्ट ये है कि वी हैव वन सेंट्रलाइज स्टोर जहाँ से कोई कभी भी डेटा को गेट कर सकता है डैट इज द ब्यूटी आप चाहो तो ये जो स्टोर है डायरेक्टली आप सोर्स के अंदर भी बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड देन गाइस इनसाइड अ सोर्स फोल्डर वी नीड टू क्रिएट अ फीचर्स फोल्डर ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनसाइड ए फीचर्स फोल्डर अब आपके जो रिडक्स टूल किट है या आपके एप्लीकेशन में कितने टाइप्स ऑफ फीचर्स आप यूज़ कर रहे हो अगर ई e कॉमर्स होता तो रजिस्ट्रेशन का एक अलग हो जाता ऐड एड टू कार्ड का अलग हो जाता प्रोडक्ट्स के अलग हो जाते यूजर्स के विश लिस्ट वाले अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं तो उसको आप सेपरेटली इस तरीके से लिखोगे दैन इंसाइड दैट पर्टिकुलर फीचर्स उसके अपने खुद का कोई स्लाइस होगा याद है मल्टीपल रिड्यूसर्स देन वी हैव दिस टास्क एक्शंस अगर आपके पास एक्सेंस क्रिएटर्स होंगे तो देखो रिडक्स में तो होते हैं बट इन आर के हमें बाई डिफॉल्ट हम जब स्लाइस क्रिएट करते उसी के अंदर ही हमारा गाइस एक्शन एंड एक्शन क्रिएटर्स बन के रेडी हो जाता है तो हमें कोई नीड नहीं है ठीक है एल्स वी हैव एक्शन सेलेक्टर्स सेलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमने ये देखा कि रिएक्ट के थ्रू आरटी के के को हम कैसे सिलेक्ट या डिस्पैच कर सकते हैं वो तो बहुत इजी था यूज सेलेक्ट बट अगर कॉम्प्लेक्स रहा तो आप डायरेक्टली उसका भी एक अलग सा फाइल क्रिएट कर सकते हो फंक्शन बना के भेज सकते हो देन टास्क एपी जैसे आपका रिएक्ट क्वेरी होगा है ना एंड नॉट रिएक्ट क्वेरी बट आपका यह आरटी के की भी अपनी खुद की आरटी के क्वेरी है रिडक्स थन के मडल वे बेसिकली डेटा फैच करना रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स आप यहाँ पे रख सकते हो एंड एट एंड वे ऑफ दिस इंडक्स टॉर्ज फाइल सो यह बातें तो बहुत हो गई अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेके चलता हूँ बिलीव में सिंपल है ठीक है सो so, इतना कुछ है हमारे यहाँ पे ठीक है तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं ना ये जो आपका सोर्स फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे लेट्स क्रिएट वन फोल्डर जिसका नाम होगा फीचर्स ठीक है ऑल right, है ठीक है फीचर्स रख दी मैंने यहाँ पे मैं चलूँगा जिसका नाम होगा टास्क ठीक है ऑब्वियसली एंड देन वी हैव अ टास्क स्लाइस डॉट जे एस एक्स ठीक है अब ये जो हमारा स्लाइसिस बना होगा वो बेसिकली ये है आर टी के स्लाइस ठीक है यहाँ तक सो so, कॉपी करूँगा ये इनिशियल स्टेट भी मुझे लगे कि यहाँ से हटाऊँगा यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ठीक है अभी क्रिएट स्लाइस क्या है इसको मिल नहीं रहा है ठीक है तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल एंड देन स्पेस एंड मैंने ऊपर से उसको ली गेट फ्रॉम आवर रिडक्स जेस टूल किट ठीक है वो भैया अब मुझे यहाँ पे क्रिएट स्लाइस की कोई नीड नहीं है ना ही मुझे पर्टिकुलर चीज़ की कोई नीड है ठीक है ऑल राइट right. अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ें आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे हम गेट स्टेट कर रहे हैं जहाँ पे हम डिस्पैच बेसिकली स्टोर ये जो बेसिकली हमारा स्टोर है, है ना उसी की मदद से हम जस्ट टेस्ट कर रहे थे कि ये क्या चीज़ है ये काम कर रहा है या नहीं अभी फिलहाल इतना मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि टास्क रिड्यूसर इसको मिल नहीं रहा है। अब चाहो तो इस तरीके से ठीक है यहाँ पर मिल नहीं रहा अब ये जो टास्क रिड्यूसर है देखो इसको वी नीड टू एक्सपोर्ट ठीक है मैंने एक्सपोर्ट लिख दी अब अगर मैं यहाँ चलता हूँ कंट्रोल एंड देन स्पेस करूँगा तो मैंने उसको यहाँ पे भी इस तरीके से गेट कर ली सिर्फ अगर मैं इतना भी करता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ तो एक प्रॉब्लम बता रहा है दी रिक्वेस्टेड मॉड्यूल ये डज नॉट प्रोवाइड एन नेम्ड एड टास्क ठीक है ऐप डॉट जे एस पे चलना पड़ेगा ऐप डॉट जे ओके ठीक है द मोमेंट हमने uh, ये जो uh, जो भी है बेसिकली ये वाला पार्ट पर्टिकुलर दिस वन यहाँ पे ऐड टास्क है डिलीट टास्क है अब ये हमारे पहले स्टोर के अंदर थे बट नाउ अब हमने इनको मूव कर दिया टू दिस पर्टिकुलर टास्क स्लाइस वाले फाइल पे तो ऐप डॉट जेस एक्स पे ये जो पर्टिकुलर है इनको यहाँ नहीं मिलने वाला डॉट स्टोर नहीं फॉरवर्ड स्लेस फीचर्स फॉरवर्ड टास्क फॉरवर्ड स्लेस टास्क स्लाइस ठीक है क्योंकि ऐड टास्क एंड देन डिलीट टास्क मेरे हमारे जो एक्शंस है ठीक है तो अब ये तो बेसिकली अब टास्क स्लाइस के अंदर आ गए ना मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूंगा एड टास्क इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे ओके ठीक है अब वो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको इसको भी मैं ऐड करा देता हूँ डिलीट टास्क को भी कंट्रोल एंड ये ऐड करा देता हूँ तो इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर दी एंड मेरा ये काम हो गया ठीक है तो देखो मेरा ये कोड अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है बस अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ ये डिलीट चलो ठीक है ये मेरा काम हो रहा है अब इस हमारा जो स्टोर है वहाँ पे इसका तो कोई काम है ही नहीं राइट इस पर्टिकुलर चीज का कोई काम हमें यहाँ पे नहीं है एंड ये बेसिकली हम जस्ट टेस्ट कर रहे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ही टेस्ट बेसिकली टास्क जो है यहाँ पे मैं चलूंगा विल गो द टास्क स्लाइस डॉट टेस्ट डॉट जे ठीक है ये करो एंड यहाँ पे हटाओ यहाँ पे चिपका दो ठीक है ऑब्वियसली इनको स्टोर मिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टोर है बट वी हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट लिखा है यह, यहाँ पे गाइस सो कंट्रोल एंड देन स्पेस स्टोर अब ऑब्वियसली इनको एड टास्क नहीं मिलेगा एड टास्क कर दो कंट्रोल एंड देन स्पेस डिलीट टास्क ठीक है सो so, ये हो गया अब यहाँ पे इसकी मुझे कोई नीड नहीं है बाय द वे ठीक है क्योंकि ये तो सिर्फ हमारा स्टोर है एंड ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है कंट्रोल एंड देन स्पेस एंड ये भी मुझे मिल गया ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ देखो मेरा काम हो गया बट वो तो जो डिफॉल्ट हमें जो आ, पहले के कुछ टास्क आ रहे थे यहाँ पे इनबिल्ट ठीक है डिफॉल्ट दो तीन टास्क जो मैंने यहाँ पे रखा था मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि वो जस्ट एक टेस्ट के लिए था वो तो हम रियलिटी में जब यहाँ पे ऐड करेंगे तब हमें वो मिलना चाहिए राइट इस तरीके से एंड में डिलीट कर सकता हूँ सो गाइस ये है आपका एक्चुअल फोल्डर स्ट्रक्चर जहाँ पे वी हैव वन स्टू देन गाइस आपको फीचर्स फोल्डर क्रिएट करना है इनसाइड योर सोर्स फोल्डर एंड उसके अंदर जो मल्टीपल स्लाइसेस होंगे उनके बेस पे बेसिकली आप फीचर्स हो गया जैसे टास्क के फीचर्स है वो रखा आपने अंदर उसके अंदर फिर स्लाइस एक्सेंस टेस्ट डॉट जेस एक्स या जो भी आपका एपीआई हो बेसिकली ये जो मैंने आपके साथ शेयर की फोल्डर स्ट्रक्चर मैं नीचे शेयर कर दूंगा ठीक है तो आई होप गाइस अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि फाइनली अब क्योंकि इस तरीके से देखना बहुत नीट एंड क्लीन लगता है एंड रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स एंड यो आपका पर्टिकुलर आर्टिकल है इट्स ऑल अबाउट योर स्टोर एंड देन स्लाइसिस ठीक है तो स्टोर तो एक ही रहेगा बट स्लाइसिस आप मल्टीपल बना सकते हो बेसिकली फीचर्स के अंदर मल्टीपल फीचर्स आएंगे और हर एक के अपने अपने स्लाइसिस रहेंगे एंड इसको आप और बेटर बना सकते हो ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको आप यहाँ पे Uh, देखो ना एक तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट की चलो ठीक है एक्सपोर्ट कर रखा है इसको आप हटा के काम कर सकते थे यही जो टास्क रिड्यूसर है क्योंकि हर एक फाइल से आप एक डिफॉल्ट तो एक्सपोर्ट करा ही सकते हो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वी हैव अ टास्क रिड्यूसो देन वी हैव दिस रिड्यूसर मैथ ठीक है ये जो प्रॉपर्टी है ठीक है इस तरीके से क्योंकि यही तो मैं वहाँ पर वो करा रहा हूँ ना एड कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कर दी है इट मीन्स कि अब मैं अगर ये ना भी लिखूँ तो भी चलेगा एंड अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपको एक कली ब्रेसिस देने की नीड नहीं है तो अब ये कितना अच्छा लग रहा है राइट इसको आप और हटा के ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से ठीक है तो इतना ईजी हो गया जितने भी अब आप आपके रिड्यूसर्स होंगे एक के नीचे का बस ऐड करते जाओ गया आपका काम मैं अगर यहाँ चलता हूँ हेलो थापा बाई टमाटो बाई ग्रेप्स डिलीट 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 एंड देन डिलीट ठीक है या दिस इज इट सो या दिस इज इट आज इस वीडियो को लेते नहीं आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा मैंने आपसे एक चीज कहा था कि अगर आपको यह पसंद आ रहा है अगर आपको ऐसा फील आ रहा है ये तो बहुत सिंपल था तो आपने क्या क्लियर ऑल बटन का फंक्शनलिटी बनाया या नहीं लेटमिनो इंदी कमेंट सेक्शन बट हाँ यह जो फोल्डर स्ट्रक्चर था आपको कैसा लगा लेटमो इंदी कमेंट सेक्शन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था अब बहुत अच्छा लग रहा है स्लाइस अपना टेस्ट अलग है यहाँ पे अपना ये चीज अलग है ऐप अपना यहां पर अलग है अब इसको